डॉक्टर, मोल रिमूवल के बाद मेरे को स्कार तो नहीं रहेगा? बिकॉज मैं स्कार को लेकर काफ़ी चिंतित हूँ। तो आपके अगर फेस पे मोल है और उस पर कितना बड़ा स्कार रहने वाला है या नहीं रहेगा, जानते हैं इस वीडियो में। सो है दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर जांगीत और आज मैं आया हूँ एक नया वीडियो के साथ में। बेसिकली वो है मोल रिमूवल। मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं और आपने काफ़ी पसंद किया उनको, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। मोस्टली जो मोल रिमूवल होता है हमारी, वो फेस पे होता है ऑब्वियसली। और फेस पे जब मोल होता है और मोल रिमूवल की बात आती है, तो डेफिनेटली सेकेंड क्वेश्चन हमेशा ये होता है कि डॉक्टर कितना बड़ा स्कार बनने वाला है। तो देखिए, मोल रिमूवल के बाद कितना स्कार बनेगा उसका वो कुछ बातों पे डिपेंड करता है। ओके, तो फर्स्ट ये है कि आपका मोल कितना बड़ा है। अगर जितना ज़्यादा बड़ा मोल होगा, ऑब्वियसली उसमें स्कार होने का चांसेस रहेगा उसमें। सेकेंड होता है कि आपका मोल किस डेप्थ में है। कुछ ऐसे मोल होते हैं जो बहुत ही सुपरफिशियल होते हैं और उसमें ज़्यादा कह सकते हैं स्कार नहीं बनता है, जैसे कि उसको बोलते हैं जंक्शनल डिवाइस। अगर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेरे हैंड पे, सो दिस इज कॉल्ड जंक्शनल डिवाइस। और अगर इतना छोटा सा मोल है तो बेसिकली क्या होते हैं कि ये जो डर्मिस पार्ट होता है उसके अपर लेयर में होते हैं और वहाँ तक अगर डैमेज करेंगे तो ज़्यादा स्कार नहीं बनता है। थर्ड बात है कि डॉक्टर उसको कैसे रिमूव कर रहा है। नो डाउट, अगर आपका डॉक्टर अच्छे हैं और उन्होंने अच्छे से रिमूव किया है, तो डेफिनेटली स्कार कम से कम बनेंगे, है ना। और फोर्थ पार्ट ये होता है कि आप कैसे केयर करते हो उसका। देखिए, केयर पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, तो उस पर सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। जो डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दिया है उसको अच्छे से यूज़ करना चाहिए। और 7 डेज़ के बाद अगर हम बात करें सूचर रिमूवल के बारे में, तो 7 डेज़ तक आपको अच्छे से केयर करना पड़ता है। उसके बाद में भी थोड़ा केयर करना पड़ता है, बिकॉज हल्का सा पिगमेंटेशन होने का चांसेस रहता है वहाँ पर। पिगमेंटेशन किसकी वजह से? सनलाइट की वजह से, राइट। तो ये है। और स्कार को लेके आपको डरना नहीं है। पहले आप ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए कि हाँ, जो भी स्कार होगा मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा और आपका जो टारगेट होता है वो सेम ही होता है कि स्कार बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। ओके, और हम कभी भी नॉर्मल स्किन से उस स्कार को कभी भी कंपेयर नहीं कर पाएंगे, है ना। देखिए, मोल एक ब्लैक टिश्यू है। सेकेंड है कि ये क्या है, आपका हल्का सा ग्रोइंग टिश्यू होता है। ओके, और स्कार क्या होता है, एक बार रिमूव होने के बाद में वो हल्का सा श्रिंक होता है, और श्रिंक होने के बाद में कह सकते हैं कि स्किन के कलर के साथ मैच कर जाता है। तो हमेशा कह सकते हैं कि मोल से अगर हम कंपेयर करेंगे स्कार को, तो हमेशा अच्छा ही दिखाई देगा आपको, है ना, अगर अच्छे से इन चीज़ों का ध्यान रखा है तो। हम कभी भी इसको हेल्दी स्किन से कभी भी कह सकते हैं कि हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। हेल्दी स्किन होती है। ओके, और कभी भी मान के चलिए कि एब्सोल्युटली 100% वो कभी भी मैच नहीं कर पाएगा। और काफ़ी बार मेरे पास ऐसे आते हैं कि डॉक्टर, मेरे फ्रेंड ने जो है मोल रिमूव करवाया था, उनके तो स्कार बिल्कुल भी नहीं रहा, क्या ऐसा है कि मेरे भी बिल्कुल भी स्कार नहीं रहे? तो हर पर्सन की स्किन काफ़ी चीज़ें वेरी करती है, रिजल्ट काफ़ी वेरी करते हैं। तो हो सकता है कि आपको स्कार उससे कम हो या उतना ही हो या फिर उससे ज़्यादा हो, ये पॉसिबल है सारी चीज़ें। तो इन चीज़ों को हमें थोड़ा एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो अच्छा केयर कीजिए, और होपफुली आपके डॉक्टर हैं जब आपका मोल रिमूव करेंगे तो होपफुली इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखते हैं, और आपको भी ध्यान रखना है। तो उम्मीद करूँगा कि आपका जो मोल रिमूवल है वो मतलब मिनिमल स्कार के साथ हो। और हाँ, एक दूसरी बात और कहना चाहता हूँ कि स्कार होता है ना, वो हमेशा रिवाइज होता रहता है समय के साथ में। ओके, इनिशियली यू कैन सी द स्कार इज क्वाइट विजिबल, लेकिन समय के साथ में एक होता है हीलिंग पार्ट। तो 7 to 10 days के बाद आपका स्किन है वो हील हो जाता है। हील होने के बाद भी इसका रिवाइज होता रहता है, अच्छा नया कोलेजन बनता रहता है वहाँ पे। तो नेक्स्ट 2 to 3 months में आपका स्कार धीरे धीरे और साफ होने वाला है और क्लियर होने वाला है। तो ऐसा नहीं कि 7 to 10 days बाद आप डॉक्टर से बोले कि डॉक्टर इतना बड़ा कैसे स्कार रह गया या फिर अभी भी काफ़ी विजिबल है। तो वो चीज़ें बहुत ही कम हो जाएगी समय के साथ में, तो आपको चिंता नहीं करना है। और आज का मैं आपको मोल दिखा देता हूँ कौन सा रिमूव करने वाले हैं हम। छोटे से मोल हैं, ओके, फेस पे हैं ऑब्वियसली, जंक्शनल डिवाइस है, और इसको अच्छे से करेंगे। अच्छी बातें क्या है इसमें कि एक तो है कि ये बहुत छोटे हैं, सेकेंड ये ज़्यादा डीप नहीं है, और इनका फेस काफ़ी कह सकते हैं इनका स्किन काफ़ी फेयर है। तो पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन होने के चांसेस भी बहुत कम रहेंगे, और मैं इनसे भी उम्मीद करूँगा कि अच्छे से केयर करें। ओके, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए, और उम्मीद है कि आपका मोल भी बहुत ही कम स्कार के साथ हील होगा। हाँ, कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।